दोस्तों आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले अब रिटेंशन प्रोसेस, रिलीज प्रोसेस और ट्रेडिंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है। यानी सभी टीम्स अपना कंफर्म स्क्वाड कर चुकी हैं एक बार आईपीएल ऑक्शन से पहले, और जिन प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी इन्हें रिलीज कर चुकी हैं, जिन प्लेयर्स को ये नेक्स्ट एडिशन में खिलाने वाले हैं इन्हें रिटेन कर चुकी हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े दिग्गज जो अभी तक आईपीएल के स्टार्स थे वो यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं इस ऑक्शन से पहले। और ऐसे में इन 10 प्लेयर्स जो मैं लिस्ट बनाकर लाया हूँ, टोटल 61 प्लेयर्स में से ये 10 प्लेयर्स सबसे महंगे बिकने वाले हैं। सभी का रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्राइस में ये बिकने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह बेसब्री से आईपीएल 2020 के ऑक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं वो टॉप 10 प्लेयर्स कौन से हैं जो यहाँ पर आईपीएल 2020 के ऑक्शन में सबसे महंगे प्राइस में बिकने वाले हैं। नंबर 10 के प्लेयर की बात की जाए तो नंबर 10 पर नाम आता है सैम विलिंग्स का। आपको बता दे पिछले 2 साल से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है, एक दो मैचेस ये खेलते हैं, प्लेइंग 11 में इनकी जगह नहीं बनती है एज अ ओवरसीज प्लेयर्स, क्योंकि सीएसके की टीम वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर प्लेयर्स की जगह ही नहीं है, तो ऐसे में एक ओवरसीज ओपनर की जगह तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए इन्होंने ये रिलीज किया। और बाकी टीम्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि सैम विलिंग्स को कम से कम प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर सके, और 2 से 3 करोड़ में सैम विलिंग्स को अपनी टीम में शामिल करना किसी भी टीम के लिए कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, एक अच्छी मूव मानी जाएगी। तो नंबर 9 पर नाम आता है हेनरिच क्लासेन का। आपको बता दें आरसीबी की टीम ने इस बार इन्हें रिलीज किया, 2 से 3 करोड़ में ये बिक सकते हैं किसी भी टीम के लिए, वो इसलिए क्योंकि इनका फॉर्म अच्छा है। आपको बता दें आरसीबी की टीम में इनकी जगह नहीं है, प्लेइंग 11 में जगह नहीं है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन ओपनर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं और हालिया फॉर्म इनका अच्छा है, कनाडा प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्मेंस रही है, जिसके चलते 2 से 3 करोड़ में कोई भी टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। बात की जाए नंबर 8 के प्लेयर की तो नंबर 8 पर है डेविड मिलर। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इन्हें रिलीज किया, हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डेविड मिलर किसी भी T20 प्रीमियर लीग के लिए एक विस्फोटक बैट्समैन माने जाते हैं, और 2 से 3 करोड़ में कोई भी टीम जिसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। बात की जाए नंबर 6 के प्लेयर की, नंबर 6 पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इन्हें रिलीज किया 4 ओवरसीज की प्रॉब्लम्स के चलते, लेकिन क्रिस मॉरिस भी शानदार प्लेयर है, ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, साथ ही साथ अगर टीम को जरूरत हो तो इनकी बैटिंग का भी फायदा उठा सकते हैं, हार्ड हिट करते हैं, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो ये भी 2 से 3 करोड़ में किसी भी टीम के लिए जा सकते हैं। बात की जाए नंबर 6 के प्लेयर की तो नंबर 6 पर नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का। आपको बता दें आरसीबी की टीम ने इन्हें रिलीज किया, जिस प्रकार से इनसे उम्मीदें लगाई गई थी आईपीएल 2019 में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बिग बैश लीग में जिस प्रकार से ये खेलते हैं, एज अ ओपनर खेलते हैं मेलबर्न स्टार्स के लिए, बॉलिंग में 2 से 3 विकेट्स हर मैच में निकालते हैं, 4 ओवर पूरे करते हैं, 30 से 40 रन हर मैच में बनाते हैं, यानी कंसिस्टेंस इनका परफॉर्मेंस रहता है, तो ये भी किसी भी टीम के लिए 2 से 3 करोड़ में जा सकते हैं, एक अच्छी मूव किसी भी टीम के लिए रहने वाले हैं। बात कीजिए नंबर 5 के प्लेयर की, टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं। नंबर 5 पर आते हैं मार्टिन गप्टिल। आपको बता दें 3 से 4 करोड़ में किसी भी टीम के लिए ये खेल सकते हैं, हालांकि वर्ल्ड कप 2019 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से घरेलू T20 लीग इन्होंने खेली है न्यूजीलैंड के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस है, एज अ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स खेलते हैं, आईपीएल का इन्हें एक्सपीरियंस है, एज अ ओपनर खेल चुके हैं हैदराबाद के लिए, पंजाब के लिए, तो ये भी एज अ ओपनर बैट्समैन किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं, अच्छी परफॉर्म ये देने वाले हैं। बात की जाए नंबर 4 के प्लेयर की तो नंबर 4 पर रहने वाले हैं जयदेव उनादकट। आपको बता दें लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें ड्रॉप करती है, रिलीज करती है, लेकिन ऑक्शन में ले लेती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये हाई प्राइस में जाते हैं, राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें इसलिए लेती है क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम जो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड रहता है यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जिसके चलते ये किसी भी टीम के लिए महंगे प्राइस पर खेल सकते हैं, तो वो है राजस्थान रॉयल्स, और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें हर बार ले लेती है। तो जरूर से राजस्थान रॉयल्स की टीम फिर से हाथ आजमाने वाली है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये इस बार 11 करोड़ में बिकने वाले हैं, 8 से 9 करोड़ में बिकने वाले हैं या नहीं, लेकिन 4 से 5 करोड़ में जयदेव उनादकट का एक्सपीरियंस किसी भी टीम के लिए अच्छा साबित होने वाला है। बात की जाए टॉप 3 प्लेयर्स की तो नंबर 3 पर नाम आता है
एवेन लुइस का। मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें इस बार रिलीज किया है क्योंकि इनकी भी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनती थी। इंडियन बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर खेल रही है, कोर टीम बना रही है, और ऐसे में एवेन लुइस की जगह नहीं बनती है प्लेइंग 11 में, तो किसी और टीम के लिए इनकी जरूर से जगह बनती है। एज अ ओपनर बैट्समैन ये खेलने वाले हैं और जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस के लिए पहले भी ये परफॉर्म कर चुके हैं, विस्फोटक परफॉर्म इन्होंने करके दिखाया है, तो ये किसी भी टीम के लिए अच्छे प्राइस में खेल सकते हैं। बात की जाए नंबर 2 के प्लेयर की, तो नंबर 2 पर नाम आता है सैम कुर्रन का। आपको बता दें सैम कुर्रन किंग्स 11 पंजाब के लिए आईपीएल 2019 में खेले, अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। प्रॉब्लम इनकी ये थी कि ये हाई प्राइस में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे, इसलिए इन्हें रिलीज किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या किंग्स 11 पंजाब की टीम इन्हें फिर से खरीद पाती है, नहीं खरीद पाती है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और फ्रंट लाइन बॉलर तो ये है ही। नंबर 1 के प्लेयर की बात की जाए जो सबसे महंगा इस आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाला है, वो बिकने वाले हैं क्रिस लिन। आपको बता दें 4 से 5 करोड़ में ये बिकने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इन्हें रिलीज किया है। रिलीज करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके पर्स में बैलेंस कम था, लेकिन जिस प्रकार से इनकी परफॉर्मेंस लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रही है, लाजवाब परफॉर्मेंस रही है, एज अ ओपनर बैट्समैन खेलते हैं, इंजरी का मसला जरूर से इनके साथ बना रहता है, लेकिन हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ओपनिंग अच्छी देते हैं, किसी भी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो 4 से 5 करोड़ में कोई भी टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या केकेआर की टीम इन्हें दोबारा से अपनी टीम में शामिल कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये है वो टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट जो आईपीएल 2020 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले हैं। आपके हिसाब से वो कौन से प्लेयर्स हैं जो सबसे महंगे बिकने वाले हैं, टॉप 3 प्लेयर्स हमें जरूर से बताएं, और जिनके आंसर सबसे सही होंगे उन्हें हमारी तरफ से काफी बड़ा प्राइज मिलने वाला है। तो फटाफट अपने टॉप 3 प्लेयर्स जो सबसे महंगे बिकने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आईपीएल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।